आकाशवाणी पर लोकवाणी आपकी बात मुख्यमंत्री के साथ। सभी श्रोताओं को नमस्कार, जय जोहार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। आप आज मासिक रेडियो कार्यक्रम लोकवाणी के दूसरे प्रसारण के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता के सवालों के जवाब भी देंगे और अपने विचार भी रखेंगे। हम आकाशवाणी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जय जोहार। सबले पहली मैं जम्मो रेडियो सुनैया मन के स्वागत करत हूँ। आम जनता खेत खार में काम बुता करत किसान भाई बहनी मल्ला, घर में अपन काम बुता करत रेडियो सुनैया हमर दीदी महतारी मल्ला, सियान और संगवारी मल्ला, नोनी बाबू मन जम्मो ला नमस्कार, जय जोहार। आज विश्व साक्षरता दिवस है। साक्षरता यानी अक्षर ज्ञान, जैन मन क ख ग घ जैसन अक्षर और एक दो तीन चार गिनती पढ़े और लिखे बर सीख जाते ओला साक्षर कहे जाते। साक्षर मन ला लगातार पढ़त लिखत रहे बर लागते, जेमा वह आगु अपन काम बुता के चीज ला लिख पढ़ सकाय और अपन जिंदगी ला उजियार बना सकाय। आज के दिन ये संकल्प ले जाते कि हमारे प्रदेश के जम्मू रहुआ मन साक्षर हो। एक करु गोट कही था, हमारे छत्तीसगढ़ में सन 2011 के जनगणना अनुसार 70% आबादी साक्षर रही, जिसमें पुरुष आबादी 80% और महिला आबादी 60% रही। साक्षरता के स्तर का आकलन हर 10 साल में होता है, अर्थात इसका नया आंकड़ा 2021 की जनगणना के बाद आएगा। लेकिन एक अनुमान है कि 2011 से 2018 के बीच हुए प्रयासों के बावजूद आज भी राज्य में 1/4 जनता अर्थात 25% लोग निरक्षर है। आज विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर यह कहना शायद अनुचित लगे, लेकिन यह बेहद दुख का विषय है कि 31 मार्च 2018 से राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता का कार्यक्रम ही बंद कर दिया गया है। इस कारण न केवल निरक्षरों को साक्षर बनाने की गति धीमी हुई है, बल्कि इस काम में लगे हजारों कर्मचारियों के रोजगार पर भी संकट आ गया है। लेकिन हमें हताश नहीं होना है। आज विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए यह कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की 1/4 आबादी को साक्षर बनाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा यह भी मानना है कि जन भागीदारी से हम और आप मिलकर इस बारे में कोई अच्छा फैसला कर लेंगे। इस विषय पर मैं प्रदेश की साक्षर और सक्षम जनता से अपील करता हूँ कि वे अपना योगदान देने के लिए हरदम तैयार रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले हम सुनते हैं सूरजपुर जिले के मधुसूदन प्रजापति की आवाज, जिसमें उन्होंने लोकवाणी के बारे में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। उनकी आवाज में लवन निवासी प्रियांशु पांडेय सहित कई श्रोताओं की आवाज को शामिल माना जाए, जिन्होंने ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं। जी सर, मैं मधुसूदन प्रजापति बोल रहा हूँ, ग्राम तारकेसरपुर विकासखंड प्रेम नगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। सर आज का जो विषय है सर, उस विषय के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। हम श्रोताओं के माध्यम से उनसे जुड़ने का एक अच्छा अवसर मिला है। पर आज का मेरा सवाल है सर, जैसे युवा और शिक्षा को लेकर, तो हालांकि शिक्षा में किस टाइप से और बदलाव किया जाए ताकि शिक्षा प्राप्त करके जो युवा, आजकल बहुत सारे युवा पढ़े लिखे और बेरोजगार रहते हैं, तो उनके लिए कुछ इस टाइप से शिक्षा का व्यवस्था किया जाए ताकि जो युवा पढ़ लिख कर मतलब बेरोजगार न घूमे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति जी। और अब सुनते हैं रायगढ़ निवासी कुलमाड़ी महानदिया की बात। मुख्यमंत्री महोदय को ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति जी, महानदिया जी और अन्य साथियों। लोकवाणी को आप लोगों का प्यार मिल रहा है, यह बड़ी खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारे महान नेताओं की बदौलत जो आज़ादी मिली है, जो संविधान मिला है, जो लोकतंत्र का वरदान मिला है, लगातार मजबूत हो। इसके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी के हर माध्यम का उपयोग हम करेंगे। लोकवाणी इसी दिशा में एक विनम्र प्रयास है। जो लोग बरसों से अन्याय सह रहे हैं, बरसों से न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जो बरसों से उन सामान्य सुविधाओं और अधिकारों से वंचित हैं,
जो उन्हें संविधान के तहत मिलना चाहिए, इनके लिए हमारी सरकार ने सबसे पहले काम किया है। हमारा हर कदम सामाजिक न्याय की दिशा में बढ़ा है। जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, अन्य पिछड़े वर्ग को 27% तथा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 10% आरक्षण देने का निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया कदम है। मुझे खुशी है कि प्रदेश के सर्व समाज ने हमारी सरकार की भावनाओं को समझा है। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को न्याय देने के लिए आप सब ने सरकार के हाथ से हाथ मिलाया है। इसके लिए मैं इस मंच से पूरे प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज सबसे ज्यादा सवाल शिक्षा कर्मियों के हैं। अगर सबके नाम लिए जाएं तो शायद इस कार्यक्रम का पूरा समय ही निकल जाए, इसलिए कुछ लोगों के नाम लेता हूं। जशपुर से विवेक दुबे, अक्रम जावेद, मरवाही से प्रशांत कुमार मानिकपुरी, पेड़ा से राजेश कुमार, अंबिकापुर से सच्चिदानंद नायक, रायगढ़ से राधा गुप्ता, महासमुंद से सुनीता नायक, धमधा से बीपी भोई, धमतरी से भीखम लाल साहू, मैनपुर से तोमन लाल साहू, सुकमा से कृष्ण कुमार पुजारी, देवभोग से शंभू कुशवाहा, कोंडागांव से नीतेंद्र, भिलाई से मूलचंद यादव और राजनांदगांव से पुष्पा तिवारी। इन सब ने पूछा है कि शिक्षा कर्मियों के संविलियन के बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है, शेष शिक्षा कर्मियों का संविलियन कब तक होगा और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 15,000 व्याख्याताओं की भर्ती की प्रक्रिया कब पूरी होगी। शिक्षा कर्मियों के संविलियन के मामले में सबसे ज्यादा सवाल आए हैं। मैं आप सबको आपकी जागरूकता के लिए बधाई देता हूं। आपको याद होगा कि चुनाव के पहले आपके संविलियन और तमाम सुविधाओं के लिए आपके साथ मिलकर हमने भी कितनी सीधी और बड़ी लड़ाई लड़ी थी। निश्चित तौर पर आप लोगों की हिम्मत और सहयोग के बिना ये लड़ाई जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। सरकार बनने के बाद हमने उस जीत को आगे बढ़ाया है। 18 साल में पहली बार शिक्षा कर्मियों को ट्रांसफर की सुविधा दी। राज्य में 1,45,000 शिक्षा कर्मी है, जिसमें से 1,25,000 का संविलियन कर लिया गया है। शेष का संविलियन भी निर्धारित समय सीमा उसके 8 साल की सेवा पूरी होने पर हो जाएगा। नियमित होने से वेतन विसंगति का मामला भी हल हो जाएगा। छोटी मोटी समस्याएं आती रहेंगी, उसका समाधान भी होता रहेगा। आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक 15,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यापम द्वारा परीक्षा ली जा चुकी है, परिणाम आते ही यह कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि अब अपना 100% योगदान देकर बच्चों का भविष्य बनाने में जुट जाएं। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे गुरुजनों का योगदान होता है जो सामान्यता दिखाई नहीं देता, लेकिन शिक्षक शिक्षिकाओं ने हर युग में किसी बात की परवाह किए बिना अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तभी आज दुनिया को नए ज्ञान, शोध, अनुसंधान का लाभ मिला है। मैं अपील करता हूं कि आज की पीढ़ी के गुरुजन भी हमारी नई पीढ़ी का भविष्य गढ़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। अतिथि शिक्षक, शिक्षा मितान और शिक्षा मित्र, इस तरह की योजनाओं के बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है, क्या इसके माध्यम से रोजगार की संभावनाएं समाप्त हो गई हैं? मुख्यमंत्री महोदय जी, इस संबंध में बहुत सारे सवाल आए हैं। बिलासपुर से प्रसन्न दुबे, साजा से धीरेन्द्र जायसवाल, राजनांदगांव से अनवर खान और कबीरधाम से डॉक्टर समिता पटेल सहित अनेक साथियों की जिज्ञासाएं आपके जवाब से शांत होंगी। आप लोगों को इस बारे में बेहतर जानकारी है कि शिक्षकों की कमी की स्थिति में ऐसे पद बनाकर मानदेय के आधार पर शिक्षा का काम चलाया जा रहा था। बहुत सारी समस्याएं इसलिए थी क्योंकि शिक्षकों की भर्ती प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से होती थी। हमारी सरकार ने आते ही एक ओर तो नियमित भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की, वहीं दूसरी ओर प्लेसमेंट एजेंसियों की दुकानदारी बंद कर दी। विशेष परिस्थितियों में काम चलाने के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती का अधिकार शाला प्रबंधन समितियों को दिया गया है। अब शिक्षकों का मानदेय शाला प्रबंधन समितियों के माध्यम से दिया जाता है, जिसके कारण कोई प्लेसमेंट एजेंसी डंडी नहीं मार सकती। हम लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े निर्णय ले रहे हैं, जिससे जल्दी ही बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ी संख्या में श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की कमी दूर करने के लिए
जो आपने लगभग 1500 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी, वो अधर में क्यों अटक गई? पिथौरा से रविशंकर बंछोर, महासमुंद से आशुतोष पुरी गोस्वामी, बालोद से डॉक्टर जिज्ञासा पांडे, कैलाश यादव, मुंगेली से सरस देवांगन, सत्ती से अजय कुमार, खैरागढ़ से सुरेंद्र कुमार, रायपुर से शिवेंद्र बहादुर और राजनांदगांव से राजीव जंघेल, संतोष मानिकपुरी जैसे कई श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती कब तक होगी और परीक्षा की तिथि कब तक आ जाएगी। हमने कॉलेजों में लगभग 1500 प्राध्यापकों की कमी पूरा करने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन माननीय हाई कोर्ट से स्टे हो जाने के कारण यह कार्रवाई रुक गई है। माननीय हाई कोर्ट में शासन का पक्ष रखने की प्राथमिकता से ही कार्रवाई की जा रही है। हम चाहते हैं कि विधि मान्य तरीके से सारी प्रक्रिया पूरी हो और कॉलेजों को प्राध्यापक मिल सके। मुझे लगता है इस मामले में हमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बिलासपुर निवासी बिहारी जायसवाल जी ने आपके लिए एक खास संदेश भेजा है, आइए उन्हीं की आवाज में सुनते हैं और उसके बाद आप अपने विचार साझा करिएगा। हाँ सर, मेरा नाम बिहारी राम जायसवाल है, मैं बिलासपुर के बंधवा पारा इलाके में रहता हूँ। मैं हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मेरी बेटी श्रेया जायसवाल की आगे की पढ़ाई संभव हो पाई है। मेरी छोटी सी किराना की दुकान है और आमदनी बहुत कम है, जिससे बच्चों को शिक्षा दिला पाना संभव नहीं है। मेरी बेटी DAV स्कूल में शिक्षा का अधिकार के तहत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रही थी। इस साल मार्च में उसने 8वीं पास कर ली थी और आगे की पढ़ाई के लिए शिक्षा के अधिकार के तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान नहीं था। इससे मेरी बेटी और हमारा पूरा परिवार बहुत ही निराश हो गए। हमें लगा कि अब बेटी की आगे की पढ़ाई नहीं करा पाएंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने शिक्षा के अधिकार के तहत 12वीं तक पढ़ाई निःशुल्क करा दी, जिससे बेटी की आगे की पढ़ाई संभव हो पा रही है। मैं अपने परिवार के तरफ से सरकार के इस निर्णय के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जायसवाल जी, आपको यह संदेश भेजने के लिए धन्यवाद। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारी एक पहल से सिर्फ आपकी बेटी को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में 4000 बच्चों को लाभ मिला है। राज्य सरकार सभी बच्चों और विशेषकर बालिका शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि छत्तीसगढ़ ऐसी पहल करने वाला देश का सबसे पहला राज्य बन गया है, जिसने शिक्षा का अधिकार कानून को विस्तार दिया है। जनता को यह अधिकार हमारी केंद्र की UPA सरकार ने दिया था, जिसे आगे बढ़ाने का काम छत्तीसगढ़ के हमारी राज्य सरकार ने किया है। हमने शिक्षा के अधिकार के तहत निःशुल्क शिक्षा देने की सीमा 8वीं से बढ़ाकर कक्षा 12वीं तक कर दिया है, जिससे इस साल 4000 बच्चों को 9वीं कक्षा में प्रवेश मिला है और उसके आगामी कक्षा में जाने के साथ यह सिलसिला भी आगे बढ़ता जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक रोचक संयोग है कि दो अलग अलग गांव से एक ही नाम के दो लोग आपसे बड़ा अहम सवाल कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनकी बात उनकी ही आवाज में। ग्राम छेलकरा के गुलाब राम साहू। हाँ, मोर नाम गुलाब राम साहू हरे, मैं छेलका साजा जिला बेमेतरा से बोला था। मोर सवाल ये है, जैसे लड़का मन हाँ पढ़ लिख के कंपनी मन में काम मांगे जाते, कंपनी सीमेंट प्लांट है, स्टील प्लांट है और जैसे बहुत प्लांट है रायपुर में, भिलाई में, वहाँ हमारे छत्तीसगढ़िया लड़का मन ला मिले नहीं है। बाहर से जो लड़का मन आते UP के, बिहार के और दूसरी स्टेट के, वो मतलब पहली काम मिल जाते, वो हमन लोकल छत्तीसगढ़िया मतलब मिले नहीं, तो हमन छत्तीसगढ़िया मन का बनी करत रहन का नागरे को तत रहन का ये हवा हमन लोग में प्राथमिकता काबर नहीं मिले छत्तीसगढ़िया मतलब। हाँ, मैं हिलास साहु बोल रहा हूँ, ग्राम शेरी खेरी से। मेरा प्रश्न है, शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में क्या पहल की जा रही सरकार द्वारा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इन दोनों का जवाब देंगे तो गौरेला मरवाही से अक्षत शर्मा, कबीरधाम से आनंद तिवारी और नागेंद्र ठाकुर जैसे कई श्रोताओं को अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। दोनों गुलाब भाई मन और संगवारी मन, आप मन के सवाल बने वाजिब है। छत्तीसगढ़ के हवा, छत्तीसगढ़ के पानी, छत्तीसगढ़ के कोयला, छत्तीसगढ़ के आयरन ओर, लाइम स्टोन, जम्मू संसाधन, हमर और ओकर लाभ
हमारे युवा संगी मन ला नहीं मिले तो ओखर बर हम सबो मन जिम्मेदार हैं। स्थानीय लोगों को स्थानीय संसाधनों का फायदा मिले इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित रविशंकर शुक्ल जैसे हमारे नेताओं ने भिलाई स्टील प्लांट बनाया था तो उसका लाभ बहुत बड़े क्षेत्र को मिला। शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, रोजगार, हर क्षेत्र में भिलाई आगे बढ़ा। ऐसे ही हम अब प्रदेश के हर अंचल में करना चाहते हैं, इसलिए हमने NMDC को कहा है कि नगरनार इस्पात संयंत्र में भर्ती होने वाले कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा दंतेवाड़ा में हो। बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर संभाग में जिला काडर बनाकर भर्ती की जाएगी। बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर संभागों में कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है। वनोपज तथा कृषि उपज का वैल्यू एडिशन अर्थात मूल्य संवर्धन राज्य में ही हो इसके लिए आधा दर्जन से अधिक फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य के निवासियों को स्थानीय उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, साथ ही यह इंतजाम भी कर रहे हैं कि ऐसे नए उद्योगों के लिए कुशल मानव संसाधन राज्य में ही तैयार हों। कौशल उन्नयन के लिए हमारी दिशा बड़ी साफ रहेगी। नए औद्योगिक नीति में इस संबंध में और भी कड़े प्रावधान किए जाएंगे ताकि हमारे स्थानीय युवाओं को छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले उद्योगों में बेहतर रोजगार के अवसर मिल सके। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादक राज्य है लेकिन इसका लाभ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर देने के रूप में नहीं मिला, इसलिए हम छत्तीसगढ़ को अधिक बिजली खपत वाला राज्य बनाना चाहते हैं ताकि बिजली से रोजगार का सृजन भी बड़े पैमाने पर हो। प्रदेश में उद्योग और व्यापार को सरल बनाने के लिए अनेक निर्णय लिए हैं ताकि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़े। हमने गुमास्ता लाइसेंस के हर साल नवीनीकरण का नियम समाप्त कर दिया है। मिनी स्टील प्लांट की बिजली दर में कमी की गई है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारे प्रयासों का असर दिखने लगा है। एक स्वतंत्र संस्था CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार हमारी सरकार के आने के बाद जनवरी से अप्रैल 2019 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर में कमी आई है। जनवरी से अप्रैल 2018 के बीच छत्तीसगढ़ में लेबर पार्टिसिपेशन रेट 42.83% था। इस अवधि में शिक्षित बेरोजगारी की दर 16.18% थी, जबकि हमारे समय में अर्थात जनवरी से अप्रैल 2019 के बीच लेबर पार्टिसिपेशन रेट बढ़कर 42.98% हो गई तथा शिक्षित बेरोजगारी की दर घटकर 10.90% आ गई है। इसी प्रकार देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर मंदी की कहानी कह रहा है, तब छत्तीसगढ़ में वाहनों की खरीदी बढ़ी है। हमारी सरकार के कार्यकाल में विगत वर्ष की तुलना में हर माह वाहनों की खरीदी बढ़ी है, जो अधिकतम मार्च 2019 में 36.75% तक पहुंची। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारी सरकार गांव से लेकर शहर तक, किसान से लेकर शिक्षित बेरोजगारों तक का जीवन बेहतर बनाने की दिशा में सही रास्ते पर चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों के राज्य स्तरीय मूल्यांकन की एक नई प्रणाली हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में शुरू की है, जिसकी तारीफ राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। इससे पास फेल को लेकर जो समस्या है उसका हल निकलेगा। स्कूलों की सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की कमी थी। दो दशकों से अधिक समय से नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही थी। अस्थायी रूप से शिक्षकों की भर्ती अलग अलग पद नामों से की जा रही थी, जिसको लेकर विसंगतियां, असंतोष और आक्रोश था। हमने एक ठोस निर्णय लिया है कि अब नियमित शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस तरह शिक्षा व्यवस्था को सही संरचना, सही आयाम देने की दिशा में हमने बड़ा कदम उठाया है। फिलहाल 15,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। कुछ लोगों का सवाल है कि कला संकाय में शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हुई, तो इसका जवाब देना चाहता हूँ। कला संकाय में पहले ही काफी शिक्षक हैं, रिक्त पद नहीं है। पद रिक्त होने पर इसके लिए भी भर्ती प्रक्रिया की जाएगी, इसको लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी नियमित शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़े निर्णय लिए जाने हैं। स्कूलों में
बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, जो उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान न दें बल्कि रोजगार और अपने जीवन के अहम फैसले लेने में भी सक्षम बनाए। प्रदेश में पहली बार डीजी दुनिया के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी 4330 हाई स्कूलों तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में ई क्लासरूम तथा ई लैब स्थापित किए जा रहे हैं। इस तरह हम स्कूल स्तर से नए जमाने की आईटी आधारित पढ़ाई कराने की शुरुआत कर रहे हैं। दीक्षा नाम से मोबाइल ऐप के माध्यम से सारी पाठ्य पुस्तकें ई सामग्री के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं, राज्य के 6 बोलियों और भाषाओं में बिना इंटरनेट के मोबाइल फोन पर पढ़ने की सुविधा भी दी जाएगी। हम ऐसे अनेक नए काम कर रहे हैं जिससे स्कूली शिक्षा का स्तर सुधरेगा। कॉलेजों में भी शिक्षा का स्तर सुधारने में प्रमुख भूमिका सहायक प्राध्यापकों की होती है। इसके साथ हमने ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी आदि पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। हमने प्रदेश में 2 दर्जन नए कॉलेज खोलने की तैयारी कर ली है, जिसमें से 7 मॉडल डिग्री कॉलेज नक्सल प्रभावित तथा अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं। मेरा मानना है, अगर हमारे युवा साथी कुछ कर गुजरने की ठान लेते हैं और सही रास्ता अपनाते हैं तो आपको लक्ष्य पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। युवाओं के असीम ऊर्जा का उपयोग सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं है। आप लोगों के साहस और कौशल ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हमारे युवा साथी अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम युवाओं को सिर्फ नौकरी तक सीमित रखने की मानसिकता नहीं रखते, बल्कि यह चाहते हैं कि वह हर क्षेत्र में नाम कमाएं। इसलिए इस प्रदेश में एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं कि युवा अपना कौशल विकसित करें और अपना रास्ता खुद बना लें। राज्य में खेल प्राधिकरण गठित करने का विचार इसी तरह आया। हमने यह निर्णय लिया है और इसके तहत पूरे राज्य में खेल स्कूल, खेल अकादमी आदि संस्थाएं संचालित की जाएगी। मुझे आज यह कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 27 जिलों में 36 केंद्र बनाए गए हैं। 14 वर्ष से 60 वर्ष आयु तक के लोगों को इन केंद्रों में डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा। आज के युग में कंप्यूटर, मोबाइल ऐप आदि का चलन है। यदि हम लोगों को डिजिटल साक्षर बना देंगे तो उनके व्यक्तित्व के विकास, पालक की जिम्मेदारी का निर्वाह, वित्तीय कानूनी आदि जानकारियां, कौशल विकास, आत्मरक्षा आदि से नागरिकों का सशक्तिकरण किया जा सकेगा। इस तरह स्कूल शिक्षा से लेकर 60 वर्ष के लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने तक बहुत बड़े क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, जो सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि चेतना के विस्तार में भी मददगार होगा। हम युवाओं की प्रतिभा, लगन, मेहनत, जुनून और कुछ नया कर गुजरने की चाह पर पूरा भरोसा करते हैं। इसलिए उद्यमिता का विकास और प्रोत्साहन हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम युवाओं के भरोसे प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक मोर्चे पर विकास के बड़े अभियान छेड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि बड़ी जीत हासिल करेंगे। प्रदेश की युवा शक्ति को मेरा सलाम। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। युवा साथियों के लिए युवा कवियों की लिखी चंद लाइनें बोलना चाहूंगा। नहीं आग है इन हाथों में, तुम खुद ही चिंगारी हो, सबका भाग्य जगाने को संघर्ष तुम्हारा जारी हो, जो छाई है इस अंबर में सूरज की वो लाली तुम, सबके चेहरों पर जो बनकर चमके वो खुशहाली तुम। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आप प्रदेश के युवाओं से मुखातिब हुए, उनके सवालों के जवाब दिए। इससे हमारे युवा साथियों को निश्चित तौर पर बहुत से भ्रमों से, बहुत सी शंकाओं से बाहर निकलने का रास्ता मिला होगा। अंत में आपने जो युवा शक्ति का आह्वान किया और युवाओं पर भरोसा जताने की बात कही, उससे हमारे युवा साथियों का मनोबल बहुत बढ़ेगा। वे अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का हर सपना पूरा करने और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की मंजिल तक पहुंचने में जरूर हाथ बटाएंगे। और श्रोताओं, अब लोकवाणी का आगामी प्रसारण 13 अक्टूबर 2019 को होगा। विषय होगा स्वास्थ्य एवं मातृ शक्ति। इस विषय पर हमारे श्रोता
अपने विचार 28, 29 और 30 सितंबर के बीच रख सकेंगे। पहले की ही तरह आप दोपहर 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन नंबर है 0771 के बाद 2430501, 2430502, 2430503। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार, जय जोहार। अभी आप सुन रहे थे लोकवाणी।